नागपुर के वोकार्ड हॉस्पिटल में डीप ब्रेन स्टिमुलेशन यानी DBS क्लिनिक का उद्घाटन हुआ है। इसी संदर्भ में आयोजित पत्र परिषद में जानकारी साझा की है। पार्किंसंस रोग, डिस्टोनिया, एपिलेप्सी, राइटर्स कैंप और ओडिसी, डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, टेरिट सिंड्रोम और वेसन जैसे उपचार प्रतिरोधी मानसिक विकारों जैसी स्थितियों के लिए अनुमोदित थेरेपी प्रदान करने भी एक महत्वपूर्ण कदम है। DBS सर्जरी एक न्यूनतम इन्वेसिव और सुरक्षित प्रक्रिया है जिसमें स्थानीय एनेस्थीसिया के तहत मस्तिष्क के अंतर गहराई में एक इलेक्ट्रोड प्रत्यारोपित किया जाता है। यह इलेक्ट्रोड स्थायी रूप से रखा जाता है जो छाती में प्रत्यारोपित एक छोटे पेसमेकर यानी IPG से जुड़ा होता है। रिमोट द्वारा नियंत्रित IPG सर्जरी के दौरान पार्किंसंस और डिस्टोनिया के लक्षणों को रिकवरी की आवश्यकता के बिना तुरंत प्रबंधित करता है। डॉक्टर मनीष बल्दिया, कंसल्टेंट फंक्शनल न्यूरोसर्जन ने इसकी प्रभावशीलता पर जोर देते हुए कहा कि DBS 80 वर्ष की उम्र तक किया जा सकता है। सर्जिकल प्रक्रिया आमतौर पर कई दिनों तक चलती है जिसमें MRI के लिए प्रवेश, बेहोश करना या जनरल एनेस्थीसिया, स्थानीय एनेस्थीसिया के तहत इलेक्ट्रोड प्रत्यारोपण और जनरल एनेस्थीसिया के तहत पेसमेकर प्रत्यारोपण शामिल है। मरीज आमतौर पर 8 से 10 दिनों तक हॉस्पिटल में रहते हैं। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर मनीष बाल्डिया है। मैं न्यूरोसर्जन हूँ और वोकार्ड हॉस्पिटल नागपुर में मैं अटैच्ड हूँ। यहाँ पे हम डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं और यहाँ पे पूरा टीम हमने बनाया है जो कि डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी में सहयोग करेगा। यहाँ पे ये जो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी कर रहे हैं वो मेनली हम पार्किंसन डिसीज़, डिस्टोनिया, एपिलेप्सी और साइकेट्रिक डिजॉर्डर्स जैसे OCD, डिप्रेशन और जैसे फेल्ड बैक सिंड्रोम होते हैं जो कमर दर्द है या फिर न्यूरोपैथिक पेन है उसके लिए हम न्यूरोमॉडुलेशन थेरेपीज शुरू करने वाले हैं। तो ये डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी है, ये एक मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी है। मतलब सिर्फ हम ब्रेन में जो दो छोटे होल बना के उसमें सिर्फ वायर डालने वाले हैं और ये सर्जरी मरीज को होश में रख के की जाती है और आपका जो रिज़ल्ट है वो तुरंत ऑपरेशन टेबल के ऊपर ही आ जाता है और मरीज खुद बताता है कि हाँ हमें इम्प्रूवमेंट आ गया है। इसमें कोई रिकवरी पीरियड नहीं होती है और तुरंत हम डिस्चार्ज करते हैं और यहाँ की टीम पूरी एक्सपर्ट टीम है जो कि आपके ना ही सर्जरी के लिए हेल्प करेंगे बाकी आपके जो पार्किंसन के दूसरे सिम्टम्स है जैसे कॉन्स्टिपेशन या फिर आपके BP फ्लक्चुएशन, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, फिर आपके साइकोलॉजिकल सिम्टम्स, डिप्रेशन, उसके लिए भी पूरा टीम काम करेगी और 3 महीने में हम ये साबित करेंगे कि आप पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो और पूरी तरह से अच्छे होके जाओ। तो आप ज़रूर वोकार्ड हॉस्पिटल नागपुर में विज़िट कीजिएगा और हम यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे और यहाँ पे आप कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। पार्किंसंस रोग DBS कार्यक्रम के लिए एक समर्पित टीम तैयार की है जिसमें न्यूरोलॉजिस्ट, मनोचिकित्सक, फिजियोथेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, मनोवैज्ञानिक और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट शामिल हैं। यह बहुविषयक दृष्टिकोण DBS सर्जरी प्रवेश के दौरान रोगी का संपूर्ण मूल्यांकन और समग्र देखभाल योजना सुनिश्चित करता है जो क्षेत्र में न्यूरोलॉजिकल स्थितियों के लिए एक व्यापक समाधान प्रदान करता है। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।